the basis of experiment, Arrhenius deduced, मतलब derived, a relation between rate constant K and T, which is called Arrhenius equation. चलिए ऐसे बोला क्या तो अपनी भाषा में लिख देंगे. Arrhenius established the relation between rate constant and temperature is called Arrhenius equation. It may given as follows. इस तरह लिख देंगे पी आर के क्या है फेयर फेयर के इक्वल टू रेट कांस्टेंट है. रेट कांस्टेंट ये जो है अभी बताए थे एक्टिवेशन एनर्जी है. एक्टिवेशन एनर्जी है ऑफ द रिएक्टेंट शॉर्ट नहीं रहने देंगे. आर जो है गैस कांस्टेंट है. गैस कांस्टेंट है ये जो ए को फ्रीक्वेंसी फैक्टर कहते हैं. फ्रीक्वेंसी फैक्टर कांस्टेंट है या फ्रीक्वेंसी फैक्टर है. फैक्टर यह टी जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर है. एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेम्परेचर एब्सोल्यूट टेम्परेचर टेम्परेचर ठीक है. यह बता देंगे क्या है अब इसका थोड़ा सा हम इंटीग्रेटेड फॉर्म निकालने जा रहे हैं. इंटीग्रेटेड फॉर्म ऑफ आर्रहेनियस इक्वेशन हल तक को बनाने जा रहे हैं. हमको जगह की आवश्यकता पड़ेगी थोड़ा इसलिए इसको मिटा के ऊपर से लिख रहे हैं बढ़िया से या पहले अब इसके बाद जो है नीचे जोड़ेंगे सब लोग लेकिन हम ऊपर से बनाने जा रहे हैं या यही से बना देंगे तो अब यहाँ देखेंगे यह हमको आर्रहेनियस का इक्वेशन आगे ऊपर विद्यार्थी ने बता दिया है. फिर इसका इंटीग्रेटेड फॉर्म बना रहे हैं. इंटीग्रेटेड फॉर्म बना रहे हैं थोड़ा सा इसको हल कर रहा है. यहाँ पर लिख देंगे और लिखेंगे टेकिंग लॉ बोथ दी साइड्स टू द बेस ई इसलिए मन में उत्सुकता हो कि आज के में ही लेने लगे कि ई टू द बेस ई आएगा तो समाप्त हो जाएगा इसलिए हम आज ई पढ़ ले रहे हैं. तो इसको इसे लॉग ई वाला को हम लोग इस तरह से लिखते हैं एलएन के इक्वल टू एलएन इस तरह से यह मल्टीपल है यहाँ गुणा है तो लॉग ए हो जाएगा प्लस एलएन ई टू द पावर ई ए बाई हम लोग का क्या हो गया आर टी हो गया या हम लोग का इस तरह से हुआ एल एन के इक्वल टू एल एन ए प्लस ये इधर आ जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी एल एन ई क्यों लिखते लॉग में हम लोग जानते हैं कि लॉग में एम का पावर एन हो टू द बेस ए हो तो एन लॉग एम टू द बेस ए हो जाता है. तो यहाँ पर टू द बेस एक और ई छिपा हुआ है यहाँ तो यहाँ देखेंगे फिर हम लिखे एल एन के इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए बाई आर टी. यहाँ पर हम लोग का एल एन ई की वैल्यू हो गया वन. एल एन ई जो हम समझ बैठे हैं एल एन ई का मतलब हो गया यहाँ पर मतलब हुआ log of e to the base e है equal to one. यह समझाने के लिए लिखा है इतना उचित नहीं था फिर भी समझाने के लिए लिखा है यहाँ पर one हो गया. यह ln k equal to ln a minus e a by r t हो गया. अब हम लोग अपने natural log में चेंज करेंगे तो हम लोग इसके पहले जान गए हैं कि यह कोई l एल एन एक्स रहता है तो नेचुरल लॉग में 2.303 लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 कर लेते हैं बदलने का कायदा है. उस तरह से इसको समझने का प्रयास करें तो यह हो गया लॉग ऑफ एक्स 2.303
303 log k to the base 10। अब log लिखने का मतलब है नहीं नहीं यहाँ लिखेंगे 10 तो भूल जाएंगे, log यह भी लिखेंगे 2.303 log a to the base e minus e a by r t। यहाँ पर हम देखें कि यह कॉमन ले ले, चाहे इतना से दोनों साइड में भाग दे दिया गया, यह दोनों साइड में भाग ही दे देते हैं तो यह बचा हम का log k to the base 10 equal to log a to the base 10, 10 नहीं भी लिखेंगे अब इसके बाद छोड़ देंगे, माइनस भाग देंगे तो यह कहाँ कितना आ जाएगा 2a by 2.303 आर टी से हो गया। यहां लिख देंगे बोथ द साइड्स, बोथ द साइड्स डिवाइडेड बाई 2.303 इस तरह से बना देंगे। जब इतना आ गया तो इसको थोड़ा सा हम इस तरह से कर ले रहे हैं, log k equal to इसको पहले लिखते हैं ea by 2.303 r, इस तरह से कर दिए 1 by t प्लस इसको ले जाकर इधर लिख दिए log a to the base 10। यहाँ सब तो देखेंगे मैथमेटिक्स के स्क्रीन को और आसान पड़ेगा कि यह मिलाएंगे तो y बराबर m x प्लस c का इक्वेशन हो गया, यानी स्ट्रेट लाइन आएगा, इसका और इसका ग्राफ अगर खींच दिया जाए विल बी स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप इतना हो गया, देयरफॉर द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन log k एंड कितना 1 by t will be a straight line, be a straight line whose slope will be यह इनकी जगह यह हो गया तो स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए बाई आर टी हो गया, और ग्राफ यहां दिखा देंगे इधर लिख देंगे लॉग के स्लोप यहां बना दिए माइनस कितना आया था माइनस ई ए बाई आर टी एम 2.303 आर यह आया था इसका स्लोप। इतना हो गया तो थोड़ा सा इस इक्वेशन को और हम बढ़ाने जा रहे हैं, यहाँ पर इस इक्वेशन का नाम हम दो रख दे, चाहे दो ही रख दे, ऊपर वाला को एक मान लीजिएगा, इसको एक मान लें, इसको हम दो मान लेंगे, इसको थोड़ा बढ़ाने जा रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे इफ टी इक्वल टू हम कर दे टी वन, देन के का मान कर दे के वन, एंड इफ टी बराबर कर दे टी टू, देन के का वैल्यू हम लोग लिखने लगे के टू, देयरफॉर फ्रॉम टू इक्वेशन में टू जो हो जाएगा इस तरह से हो जाएगा, कितना लिखेंगे इस तरह से लॉग
यहां हो गया क्या चीज माइनस ई ए बाई 2.303 आर 1/T1 प्लस लॉ ए टू द बेस 10। फिर यहां पर लिख दिए लॉ के 2 टू द बेस 10 इक्वल टू माइनस ई ए बाई 2.303 1/T2 प्लस लॉ ए टू द बेस 10। इतना केवल इसी में यहाँ का मान केवल केवल रखे एक बार T1 रखे एक बार T2 रखे एक बार T2 तो दो इक्वेशन हम लोग का तैयार था। मान लेते हैं कि इसको हम 3 मान ले चाहे इसको हम चाहिए बढ़ रहा है दो इसको मान एक मान ले इसको आ इसको मान ले है तब दो आ इसको मान ले है 3 या और हम चाहते हैं या दो में से 3 को घटा दे इस तरह से घटा दे देखेंगे फिर उतार रहे हैं log k1 टू द बेस 10 माइनस ea 2.303 आ 1/T1 प्लस log a टू द बेस 10 फिर यही उतार रहे हैं log k2 यहां हो गया 10 माइनस ई ए बाई 2.303 1/T2 प्लस लॉ ए लिख दिए यही दोनों इक्वेशन को लिख दिए है दो में से मैंने सब्ट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम 2 इस तरह से यह माइनस हो गया यह प्लस हो गया यह माइनस तो यह देखेंगे यह कट गया यह हम लोग का हो गया log k1 टू द बेस 10 माइनस log k2 टू द बेस 10। यह देखेंगे यह अगर चाहे तो कॉमन ले लेंगे कि थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको कॉमन ले ले रहा है ई ए प्लस वाला पहले लिखे है ई ए बाई 2.303 आर तो यहां हो गया 1/T2 माइनस 1/T1। यहां देखेंगे कि log जो है घटाव के रूप में रहता है माइनस के रूप में हो तो बाई हो जाता है तो यहां लिख देंगे हम log हो गया हम लोग का k1/k2 टू द बेस 10 हो गया यह ईए बाय 2.303 आ यह हो गया t1 माइनस t2 बाय t1 t2 ऐसे हो गया। अगर इसमें का माइनस कॉमन ले लेते तो यह k2 ऊपर चल जाएगा आई t2 ऊपर हो जाएगा या कुछ विद्यार्थियों को इस तरह से दिक्कत होने लगती है ई माइनस से कॉमन लेने पर तो यह ऊपर रख देंगे नीचे रख के घटा देंगे तब आंसर हो जाएगा क्योंकि आसान कर देते हैं उस तरह से कुछ बायोलॉजी के विद्यार्थियों को दिक्कत होने लगती है कि इसको बदल के बायोलॉजी के जैसा बना दे यहाँ पर उनको दिक्कत नहीं हो तो डायरेक्ट आ जाएगा तब यहाँ पर हम कर दे रहे हैं 3-2 कर देंगे हमारे पर थोड़ा माइनस लेना पड़ता एक ही बार में से आ जाएगा log k1 टू द बेस 10 ea बाय 2.303 r 1/t1 प्लस log a टू द बेस 10 यह और यह कट जाएगा इस तरह से माइनस माइनस या प्लस माइनस यहां हो गया हम लोग क्या चीज log यह k2 टू द बेस इतना log k1 टू द बेस 10 यह हो गया यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं अगर हम कितना इसमें से यह चीज कॉमन ले लिए तो माइनस ई ए यह प्लस हो गया है तो इस प्लस
आर, तो यहां हो गया 1 बाई टी वन माइनस 1 बाई टी टू, इस तरह से यहां पर माइनस जो है भागा में हो जाता है, तो लॉग के टू बाई के वन हो गया टू द बेस 10, यहां हो गया ई ए बाई टू डिस्मल 303 आर, यह टी टू माइनस टी वन नीचे हो गया t1 into t2। यह इक्वेशन पर हर एक साल का सवाल सीबीएसई बोर्ड में दे दिया जाता है, इसलिए इसको बढ़िया से समझ लीजिए कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर सवाल आएगा, नंबर ज्यादा आता है, बिहार बोर्ड में यह ऐसे साबित करने के लिए लोग दे देते हैं, इसलिए इसको बढ़िया से एक बार समझ लें।